किसान कृषि योजना डिजिटल सोलर इंडिया युवाओं के लिए लाया है रोजगार का सुनहरा मौका। कंपनी को पूरे यूपी जिले से लेकर न्याय पंचायत में जुझारू और मेहनती युवाओं की जरूरत है, तो देर किस बात की। आपके ख्वाब पूरा होने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारा पता है केडी इंटरप्राइजेज, दुर्गापुर बाजार, जिला अमेठी। हमारा मोबाइल नंबर है 7881109261 और 7991579262। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त हो चला है देश प्रदेश की कुछ खास खबरों का। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विद्युत विभाग ने ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए कैंप लगाया, जिसमें घर घर सौर ऊर्जा लगाने के लिए सभी को जागरूक किया गया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक राम लल्लू वैश्य ने किया। सुल्तानपुर में सपा नेता ने शुभकामना संदेश वाली होर्डिंग में चाचा शिवपाल यादव को गायब कर दिया, जिसके मद्देनजर सुल्तानपुर से लेकर लखनऊ तक चर्चा हो रही है। अमेठी में गायत्री प्रज्ञा पीठ रामगंज में मकर संक्रांति के अवसर पर समाज सेवी रामेश द्विवेदी ने गरीबों को कंबल बांटे, साथ ही उन्होंने खिचड़ी भोज का भी आयोजन किया। अमेठी में तिलोई क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में मनरेगा भुगतान और अन्य समस्याओं को लेकर प्रधान संगठन ने राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह से मुलाकात की, साथ ही उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। अमेठी जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में निराश्रित गोवंशों के संरक्षण के मद्देनजर बैठक की, जिसमें गौशालाओं में हरा चारा, भूसा, पशु आहार और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था पर चर्चा की गई। अमेठी में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर जोराई मौजा इटरौर में रात के वक्त जेसीबी से अवैध खनन किया गया, जिसमें स्थानीय पुलिस की भूमिका संदिग्ध लग रही है। अमेठी के जलालपुर तिवारी गांव में रहने वाली तारावती देवी अपने बयान से पलट गई हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ये बयान कुछ लोगों के दबाव की वजह से दिया था। आपको बता दें कि तारावती ने झूठा इल्जाम लगाया था कि ग्राम आवास दिलाने के एवज में ग्राम प्रधान रिश्वत मांग रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने पार्टी के नेताओं और जनप्रतिनिधियों के लिए खिचड़ी भोज का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी खुद मौजूद रहे। काशी में गंगा विलास क्रूज यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, इसी के साथ सीएम योगी समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे। बाराबंकी के मशहूर बीजेपी नेता और हैदरगढ़ के पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित का निधन हो गया, जिसके बाद जिले भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। जौनपुर में चंदवक थाने के मड़ी गांव के प्राथमिक विद्यालय में भाजपा सांसद प्रतिनिधि रमेश कुमार ने गरीबों को कंबल बांटे, जिसे पाकर सभी के चेहरे खिल उठे। रायबरेली पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया गया। यहां अखिलेश यादव ने खगिया खेड़ा गांव पहुंचकर सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात की। रायबरेली पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है। रामपुर के राजकीय इंटर कॉलेज धमौरा में उप निरीक्षक यातायात सुमित कुमार ने छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी दी, साथ ही उन्हें जागरूक किया। कन्नौज में छिबरामऊ क्षेत्र के गांव कुशलपुर में ग्रामीण पिछले 10 सालों से रास्ते की समस्या से जूझ रहे हैं। इसी टूटे हुए रास्ते से छात्रों को स्कूल जाना पड़ता है, जिससे कई बार छात्राएं कीचड़ में गिर चुकी हैं। और अयोध्या की सदर कोतवाली इलाके में रहने वाले विक्रांत दुबे पर अवैध वसूली का इल्जाम लगा है। आरोप तो यहां तक है कि विक्रांत की पहुंच आला अधिकारियों तक है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।